यूपी के चंदौली से अगली खबर, युवक की हत्या यहां पर हुई है। आपको बता दें कि निर्मम हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लाठी और डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया है। साथ ही बता दें कि एसपी अंकुर अग्रवाल घटना स्थल पर पहुंचे और लोगों से समझाइश उन्होंने की। दरअसल अलीनगर थाना क्षेत्र के सिकटिया गाँव का ये पूरा मामला। तो यूपी के चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर एक युवक की निर्ममता से पीट पीट कर हत्या कर दी गई और इसी बात से आक्रोशित ग्रामीणों ने और क्षेत्रवासियों ने साथ ही परिजनों के साथ मिलकर शव को सड़क पर रखकर यहां जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की यहां मांग की और इस पर समझाइश उनसे की गई। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर के प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपको समय की दिखा रहे हैं जब ये प्रदर्शन हो रहा था। इस पर एसपी अंकुर अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से इस हादसे पर उन्होंने समझाइश की। दरअसल अलीनगर थाना क्षेत्र के सिकटिया गांव का ये पूरा मामला, जहां पर जानकारी मिल रही है कि एक युवक की पीट पीट कर निर्ममता से हत्या कर दी। तो एसपी अंकुर अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंचे, लोगों से समझाइश उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस समय कि जब ग्रामीण और परिजन मिलकर प्रदर्शन कर रहे थे। शव को सड़क पर रखकर की मांग थी उनकी कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, साथ ही न्याय उन्हें मिला, जो न्याय है उन्हें उचित मिले। इस युवक की चूंकि बताया जा रहा है कि पीट पीट कर हत्या कर दी गई, लाठी और डंडों से इसे इतना मारा गया कि उसकी हत्या हो गई। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी मिथिलेश सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, देखिए जो वाकया सामने आया है, यहाँ पर एक युवक की हत्या किए जाने की जानकारी है और जानकारी ये भी है कि उसके बाद परिजन इतना ज्यादा आक्रोशित हो गए कि शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। क्या ये पूरा वाकया रहा और अभी क्या स्थिति, बताएं मिथिलेश। चूंकि मामला 3 दिन पहले का है, जहाँ एक पासवान बस्ती में गुमकी रखी गई थी जिसमें आग लगा दी गई थी जी, और पीड़ित जो है अलीनगर थाना क्षेत्र में थाना में गया था शिकायत लेकर, जहां पे अलीनगर थाना लिपापोती पे उतारू हो गई और मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसी मामले को लेकर रंजिशन आज दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक व्यक्ति की राड और डंडे से मार पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि मौके पे जैसे सूचना मिली डीएम साहब और एसपी दोनों लोग मौजूद हैं और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया था, जिसको समझाने बुझाने में कप्तान साहब लगे हुए हैं। लेकिन हालांकि कप्तान साहब ने संकेत भी किया है कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी होगा इसमें उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जी। मिथिलेश, उसके अलावा मामले से जुड़े हुए जैसे आपने जानकारी दी आपसी रंजिश के चलते, तो क्या लोगों को चिन्हित करके इस मामले में गिरफ्तारियां हुई है क्या अभी? जी नहीं, अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि कप्तान साहब ने ये बात कही है कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी होगा, चाहे जो भी दोषी हत्या आरोपी है, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जी। चलिए मिथिलेश, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।